बच्चों को मारना एक मजबूरी हो गई है। हमारा मन नहीं करता, पर क्या करें, बिना डांटे बिना मारे बात ही नहीं सुनता। ऐसा मानना है आज के यंग पेरेंट्स का, या वो सोचते हैं कि बिल्कुल भी मत मारो, जिससे फिर बच्चा और बिगड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और दीप्ति की झरोके से मैं हमेशा एक नए नए टॉपिक लेके आती हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में। हम लोगों के जमाने में तो पिटाई एक बहुत ही नेचुरल सी चीज थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तब माता पिता प्यार नहीं करते थे। और आज अगर कुछ पेरेंट्स नहीं मारते हैं और कुछ पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस होकर छोटी सी उम्र में 3 साल की उम्र से बच्चों को डांटने मारने डराने लगते हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या वो सही है? नहीं। माता पिता तब भी उतना ही प्यार करते थे जितना आज करते हैं। फर्क बस इतना आ गया है कि आजकल प्यार का मतलब पैम्परिंग हो गया है, वो भी ठीक नहीं है। और जिन बातों पर, जिन वैल्यूज पर, जिन पॉइंट्स पर डांटना चाहिए, उन पॉइंट्स पर तो हम नहीं डांटते। और डांटते हैं कब? या तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना हो, या कंपटीशन है कि मेरे बच्चे ने नहीं करा, उसके ने कर लिया, इसलिए अपने बच्चे को डांटो। तो फिर अल्टीमेटली क्या करें? पेरेंटिंग का सबसे पहला रूल तो यह है कि देयर इज नो रूल फॉर पेरेंटिंग। आपका बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करेंगे, क्योंकि उनके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो देखते हैं और उसी चीज को कॉपी करते हैं। आप अपने बच्चे से कुछ कहें और वो उसकी आपकी बात को न माने, आपको बड़ा गुस्सा आता है। आप एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, लेकिन जो आप करते हैं उसको वो बिना कहे दोहराने लगता है। इससे आप क्या समझे? यस, ये जो मिरर न्यूरॉन्स हैं, दे आर वेरी एक्टिव फ्रॉम 0 to 9 years। इस समय बच्चे की जो मेमोरी है वो अपने आप ऐसे कोई डेवलप नहीं है, वो कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो आप करेंगे वो उसको जरूर फॉलो करेगा। एक 3 महीने का बच्चा जब वो रेस्पॉन्स करने लगता है, तो जब माँ उसको देख के हंसती है, तो वो बच्चा भी सिर्फ इसलिए हंस रहा है क्योंकि माँ हंस रही है। ही डज नॉट नो, उसको सुख दुख नहीं पता। सो द चाइल्ड रिएक्ट्स टू द सिचुएशन द सेम वे दैट यू रिएक्ट। अगर छोटा बच्चा नीचे गिर गया और अगर आपने गिरते ही क्या कहा, अरे चींटी मर गई, रो मत, कोई बात नहीं, मैं दीवार को मारूंगा कि मैं फ्लोर को मारूंगा, और बच्चे को उठा दिया, अरे अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार कर लिया, तो बच्चे के मन में 2 बात आ गई। एक तो ये कि मेरी गलती नहीं थी, ये जमीन की गलती थी, धरती की गलती थी, या दीवार की गलती थी, और बदला लेना है, चींटी को मारो, धरती को मारो, दीवार को मारो। हम उस समय बच्चे को पैसिफाई करने के लिए ये सब कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसका इम्पैक्ट कितना लंबा, कितना दूर तक जाएगा। उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इन छोटी छोटी बातों से ही बनती है। अगली बार अगर आपका बच्चा गिरे तो हर के हंस के कह दो, अरे तुम गिर गए, कम ऑन गेट अप, यू आर अ ब्रेव बॉय, यू कैन डू इट। देखिएगा, वो भी जो 5 मिनट रोता है, या 5 मिनट नहीं, अगर वो 30 सेकंड्स भी रोता तो वो 10 सेकंड्स में उठ जाएगा। जब हम कुछ मीठा खाते, हाँ मीठा मीठा, उसको खिला दे, वो भी ऐसे करता है। बट अगर आप मीठा खाएगा, आय हाय मीठा, यू विल रियलाइज वो जब भी उसे आप मिठाई खिलाएंगे तो वो नाक चढ़ा के खाएगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें उनके मिरर न्यूरॉन्स को, जो इतने एक्टिव हैं टिल द एज ऑफ 9, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में माए 6-7 साल तक के बच्चे को अपने साथ ही सुलाती है, एंड फॉरेन कंट्रीज में जहाँ 3-4 साल का बच्चा हुआ उसको दूसरे रूम में सुला दिया, तो बेडवेट्स होते हैं, उनको डरावने सपने आते हैं, वो रात में घबराते हैं, रोते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रो वर्ल्ड में घूमते हैं और उस समय उनको कोई धक्की देने वाला नहीं होता। तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इंटरनली।
चाहे वो विश्व के किसी भी हिस्से में रहे, क्योंकि माँ हिंदुस्तानी है। वो अपने बच्चे को जरूर अपनी छाती से चिपका करके ही सुलाएगी जब तक वो खुद अलग होके सोने की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चे, दे ऑल्सो स्लीप विद देम। फिर अगर आपको उसको कोई बात के लिए करने से मना करना है तो आप, क्योंकि उनका माइंड टेंडर होता है, वो मिररिंग करता है, तो आप उसको ये मत कहिए कि तुम चिल्लाओ मत। उसने सिर्फ इतना सुना, चिल्लाओ, ही स्टार्ट शाउटिंग। आप उसको बोलो, बेटा धीरे बोलो, धीरे बोलो। ये डोंट, नो, ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको कम से कम बच्चों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब तक मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि पहले बच्चों को मारना और आज के दिन में बच्चों को मारने में बहुत फर्क हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले अगर हमें मम्मी ने मारा, या हमें डैडी तो किसी की भी नहीं मारते, पर अगर मम्मी ने मारा या चाची ने डांटा या बुआ ने डांटा, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे डांट पड़ी उसके बाद में हमें कुशनिंग मिल जाती थी। मम्मी ने डांटा तो दादा दादी के पास चले गए, चाची ने डांटा तो बुआ से कह दिया, और अगर आपस में लड़ाई हो गई या मम्मी डैडी दोनों से अगर डांट भी पड़ गई तो अपने भाई बहनों के पास में जाकर के उनसे अपने मन की आउटपोरिंग कर दी, जिससे हमारे जो अंदर इमोशनल सपोर्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थी। आजकल ऐसा नहीं है, वी हैव स्मॉल फैमिलीज जहाँ पर माता पिता और एक बच्चा रहते हैं। अगर आपने उसको डांटा तो उसके बाद में क्या होगा कि वो किसको बोले। सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, माँ बाप दोनों ही वर्किंग भी हैं। आपने उसको डांट दिया, डांट करके आप चले गए, घर में मेड है या एक छोटा भाई या बड़ी बहन है। अब उसको डांटने के बाद में ही हैज नोबडी जिससे कि वो ये बता सके, उसको जिससे एक कुशन मिल सके, सपोर्ट मिल सके, इमोशनल सपोर्ट मिल सके, और वो अंदर ही अंदर सहम जाता है। जब हम बच्चे को, अगर आपने घर पर भी है, अगर आपने डांट दिया और आप उससे बात नहीं कर रहे, वो अकेले कमरे में चला गया और उसने कहा मुझे किससे बात नहीं करनी, तो हम सोचते हैं ठीक है थोड़ा सा उसको टाइम दे दो। उसको वो टाइम अकेलेपन का नहीं चाहिए, बिकॉज जब बच्चे को डांट पड़ती है तो वो डर जाता है, और उसको डर को जीतने के लिए उसके पास में कोई उसका रिलेटिव नहीं है, उसका कोई प्यार करने वाला कोई और संबंध नहीं है वहां पर, तो उसके बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, इसे कहते हैं कॉर्टिसोल, और जब वो ब्लड में पूरे रिलीज होकर के दोबारा से ब्रेन में जाता है तो वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जहां से हमारा माइंड शार्प होता है, हम उन पॉइंट्स को वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग पावर भी हिंडर होती है, वो जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पाता, किसी चीज को मेमोराइज नहीं कर पाता, याददाश्त को उसकी शॉर्ट लिव्ड हो जाती है। जो आप सिखाएंगे डर के मारे सीख जरूर लेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो उसको भूल जाएगा। हम सोचते हैं कि बच्चा भूल क्यों गया, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आज के बच्चे को, स्पेशली जो अकेले छोटी फैमिलीज में रहते हैं, आप डांट करके चिल्ला करके उनसे आप काम शॉर्ट टर्म के लिए तो करवा सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। अगर आप हर समय चिल्लाएंगे उसके ऊपर, स्पेशली पेरेंट्स जो वर्किंग है वो आकर के सिर्फ पढ़ाई को लेकर के ज्यादा बॉदर्ड है। लेकिन डियर चिल्ड्रन, आप ये समझो कि पढ़ाई तो हो ही जाएगी। आजकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है कि ह्यूमन वैल्यूज वो शॉर्ट पड़ रहे हैं। हमें बच्चों को वो देना बहुत जरूरी है। आपने अगर आके के जोर से चिल्ला दिया और वो अकेले में चला गया, अब उसके पास में क्या है, एक गैजेट है जिसको कि कहते हैं मोबाइल फोन। वो उस फोन पर अपने फ्रेंड से बात करेगा, सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करेगा, और आप ये मत भूलिए कि सोशल मीडिया पर ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो इसी तरह के बच्चों को चाहते हैं, इसी तरह की माइंडसेट को, मेंटल फ्रेम को चाहते हैं, वो बच्चा हो या बड़ा हो। और जब आप बाहर जाकर के सपोर्ट ढूंढेंगे, अंदर से तो आप डेफिनेटली खोखले हो ही गए। ब्रेन को, छोटे बच्चे को ये भी सिग्नल मिलता है कि जब भी चिल्लाएगा कोई मुझ पर तभी मैं काम करूंगा। अब बताइए, सो सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर।
अगर आपको अपने बच्चे को कुछ समझाना है, कुछ बताना है, फर्स्ट थिंग गो नियर द चाइल्ड, बच्चे के पास चले जाइए, वहां जाकर के अपनी वॉइस को रेज मत करिए। ऊंची आवाज से बोलने से आपको लगता है कि वो बात सही हो जाएगी, नहीं, वो सही होगी आपके कन्विक्शन से, उससे आई कॉन्टैक्ट करके लोअर वॉइस में उसको वो बात समझाने की कोशिश कीजिए। आप ही का बच्चा है, जरूर समझेगा। और जो उसने बचपन में 0 to 3 जो वो देखता है, जब वो स्कूल नहीं जा रहा, उस समय की जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो चलती है 7 से 9 साल तक, दैट इज द टाइम दैट यू आर मेकिंग, यू आर रेजिंग अ ह्यूमन बीइंग। आप किसी मशीन को या किसी जानवर को नहीं अपब्रिंग कर रहे हैं, यू आर अपब्रिंगिंग अ ह्यूमन चाइल्ड। आपको केवल एक सपोर्ट देनी है, वो अपने कर्म लेके आया है, वो अपने संस्कार लेके आया है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अनडिनाइबली हार्मफुल है, बहुत घातक है, वो हमको बड़े खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। आपने देखा कि फोन जब बच्चे को मिल जाता है तो ना तो वो आपकी बात सुनता, ना अपने दोस्तों की बात सुनता, उसे कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई टॉय नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो एंटी सोशल होता जा रहा है, वो एक सेपरेटिस्ट हो रहा है, उसने अपने आप को अलूफ कर लिया, अलग कर लिया है, उसने एक अपनी वर्चुअल रियलिटी की लाइफ बना ली जो सच के बिल्कुल भी आसपास नहीं है। लेकिन माँ बाप क्यों इसलिए खुश हो जाते हैं कि एक तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा दुनिया के हिसाब से चल रहा है, 21वीं शताब्दी का बच्चा है, ही कैन हैंडल एनी गैजेट, और दूसरा उनको अपने लिए टाइम मिल जाता है टू डू व्हाट दे वांट टू डू। आपने एक बच्चे को, एक इंसान को इस धरती पर लाए हैं, तो आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप उसको ढंग से उसकी परवरिश करें, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, पेस को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिट को थोड़ा सा शांत करिए, स्टिल करिए, एंड ट्राई टू सोक योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड इन लिटिल बिट ऑफ नेचर, प्रकृति के पास लेके जाइए। एक ऐसा टाइम बनाइए जिसमें कि आप और आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रकृति से जुड़ा हो, मिट्टी में खेले, आप भी खेलें, वो भी खेले। इतना गोल ओरिएंटेड जिंदगी मत बनाइए, क्योंकि मशीन्स बहुत हैं, रोबोट्स इतने आ गए हैं, हमको चाहिए तो इंसान विद ह्यूमन वैल्यूज। जो रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं विदाउट इमोशंस काम कर रहे हैं, पर हमको इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए। आजकल एक बटन के क्लिक पर हर चीज अवेलेबल है। पहले माँ खाना बनाती थी तो जो भी खाना बनता था बच्चे को वो खाना पड़ता था, बिकॉज माँ किसी होटल की कुक नहीं है, आपके घर की रसोई में खाना बन रहा है, तो जो बनेगा वो सब खाएंगे। लेकिन आजकल आपको ये पसंद नहीं आया, नहीं मैं करेला नहीं खाता, ओके कोई बात नहीं, जोमेटो से बच्चे ने खुद ऑर्डर कर दिया, तो फूड इज एट वन क्लिक ऑफ अ बटन। इतना इजी, इतना कंफर्टेबल हो गया है हमारी लाइफ, इतने कंफर्ट जोन में हम रह रहे हैं। शायद यंग पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा हो कि मैं ही उन लोगों को 25 साल 30 साल पीछे जाने की बात कर रही हूं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि आप फास्ट मूविंग वर्ल्ड के साथ में कदम से कदम मिलाइए, लेकिन कुछ अपना ऐसा एक पर्सनल टाइम रखिए जिसमें कि आप सिर्फ एक इंसान है, डिस्कम्फर्ट भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितनी भी लग्जरीज, जितने भी प्लेजर्स आप बच्चों को आप दे पा रहे हैं, आगे जब आप नहीं होंगे क्या वो उतना कमा पाएंगे। आजकल दुनिया का, जिंदगी का कुछ नहीं पता, पल भर में सब कुछ मिट जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हमने अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दिए कि उसको तकलीफ भी हो सकती है, तो जब उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आएगी तो वो उसको झेल नहीं पाएगा। पेन बहुत जरूरी है। पहले लाइट चली जाती थी तो हाथ के पंखे हैं, हाथ के पंखे नहीं है तो ठीक है, इन्वर्टर आया, जनरेटर्स आए, सब कुछ आया, लेकिन आजकल तो 24/7 बैकअप है, ऑटोमेटिक सबके जनरेटर्स लगे हुए हैं कि लाइट पहली बात तो जाती नहीं, जाएगी तो तुरंत आएगी, उसमें एसी भी चलने चाहिए, पंखों से काम नहीं चलेगा। हम खुशी की प्यास में दर्द को बिल्कुल ही भूलते चले जा रहे हैं।
और जो तब के नहीं बनता उसकी जिंदगी बहुत फ्रिजाइल हो जाती है, भुरभुरी, एक छोटे से झटके में धराशायी। तो बस इतना ही कहूंगी कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करिए, थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी डांट, थोड़ा सा अपनापन। अगर आपको लगता है कि इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी एक टेक अवे पॉइंट है तो आप उसको जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड न भी बताएं, एटलीस्ट टेक इट एंड मेंट द फ्यूचर ऑफ इंडिया वेल। हमारे देश का हर बच्चा उतना ही समर्थ, उतना ही सशक्त होना चाहिए जितने हमारी पहली जनरेशन थी, जितने आप हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।